हम लोग ने एक्चुअली में गलत साइड से ले लिया। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम श्रीनगर। सो एज यू कैन सी हम लोगों की बाइक रोड के साइड में खड़ी है क्योंकि बाइक हमारी वहाँ पे पेड़ पार्किंग में खड़ी थी, लगेज इधर आया तो हम लोग यहाँ पे बाइक लेके आ गए, फुल ऑन लोड अप किया एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर कारगिल। कल रात को तो लिटरली लगा था कि बस हो गया, बस हम लोग एक दो दिन आराम करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। बट एनीवेज आज सुबह से काफ़ी रिफ्रेशमेंट है, एक्साइटमेंट है, उतना एक्साइटमेंट अभी भी नहीं है जितना हम लोगों को घर से था कारगिल के फोटोज़ देख देख के। एनीवेज लेट्स लीव। फाइनली सोनमक ओवर हियर, अभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे टुवर्ड्स कारगिल। राइट में रुका। ओके, ये बम्बू के आगे, बम्बू के पोल के आगे। तो हम लोग गलती से उधर से चले गए थे, हमें बेसिकली ये वाला ही रास्ता फॉलो करना था, यहाँ पे संभल गया। लोडेड बाइक लेके ऐसे टर्न करने में ना थोड़ी सी फटती है। वेलकम टू सोनमार्ग। इसने बता दिया कि आगे रोड कैसे रहेंगे। काय रोक रहा था भाई, नहीं लिफ्ट नहीं दूंगा मैं, लिफ्ट दूंगी तेरे टॉप बॉक्स में बैठेगा भाई। All right guys, so we have completed like 100 kilometers from श्रीनगर। सोनमार्ग से थोड़ा आगे आए हैं एंड एज यूजल मतलब इस रूट पे जो सीन रहता है लैंड स्लाइड की वजह से हम सब लोगों को रोक दिया है। सो हम लोग ने यहाँ पे लोकल आर्मी से पूछा, बी आर ओ से, तो कितना टाइम लगेगा वगैरह। सो ही इज टेलिंग लाइक इट्स गोना टेक लाइक 1.5 to 2 hours। अभी हम लोग ऐसे बस रोड के साइड में पार्क है, और भी बाइकर्स हैं बस यहीं पर बैठे हुए हैं, कर भी कह सकते हैं। तो एक बार क्लियर होता है फिर आगे बढ़ते हैं। It was a good decision to take a night halt in Kargil. डायरेक्ट लेके चक्कर में अगर पड़ते तो ये सब चीज़ें हमें हार्ट अटैक दे देती। एनीवेज ज़्यादा दूर है नहीं कारगिल, इट्स लाइक व्हाट 100 किलोमीटर्स के आसपास है यहाँ से। चलो एक बार खुलता है फिर निकलते हैं। All right guys, तो फाइनली हमें छोड़ दिया। By the way guys, ये अमरनाथ ट्रैक का जो रास्ता है वो ये है, नीचे जा रहा है। क्या हुआ? हाँ मेरी गाड़ी का अच्छा, रोकना नहीं पड़ता। अरे हुआ नहीं क्या आपका? हाँ हाँ, तो वो जो नीचे रास्ता जा रहा था वो अपना अमरनाथ की ओर जा रहा था। फाइनली इस समय टाइम हो रहा है 11:43। कितना देर हो गया अपने को यहाँ पे? अपन 10 बजे के आसपास आए थे ना, 10 बजे के आसपास। हाँ तो 1.25 घंटा हम लोगों को रोक दिया। हमारा तो यहाँ पे पूरा गैंग बन गया था। सब बाइकर्स लोगों का, कुछ मुंबई के राइडर्स मिल गए थे, दिल्ली के सब साथ में ही राइड कर रहे थे वो लोग, और हम लोग बस उनके साथ बैठ के चिल मार रहे थे। सब टाइगर ही थे उसमें, बस एक अफ्रीका ट्विन थी, नहीं तो टाइगर जीएस 850 नहीं, टाइगर 900 थी। अरे 850 थी भाई, टाइगर या जी? अरे जीएस 850। ओके, चार टाइगर थी, एक अफ्रीका ट्विन थी। अरे कोई, अच्छा रुक जा, डिस्टेंस रख दे। अरे डिस्टेंस हो नहीं पाएगा, कोई पीछे से आगे आ जाएगा। चलो चलो हम लोग ने एक्चुअली में गलत साइड से ले लिया। आराम से आराम से, लो लो हाई रेफ पे लो। रुको मैं निकल रहा हूँ, माँ कसम। अरे मेरा क्या था, वो स्लोप से राइट मार के मोमेंटम बना के निकल जाएगा। नहीं लेकिन वो वहाँ पे क्या, वहाँ पे राइट पॉसिबल नहीं हो पाता है।
ऑलराइट गाइस, फाइनली कॉज जॉर्जिला पास। इस समय हम लोग जीरो पॉइंट पे है और जॉर्जिला ने जो बजाई है, मुझे एक समय में लगा था कि मेरा फ्रंट रिम क्रैक हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। फुल्ली लोडेड भाई, कैसे पहाड़ से डैम्पनिंग हुई है ना, 70 पे पटक रहे थे तो मुझे डर था, लेकिन अभी मैंने उतर के चेक किया तो कहीं पे ना बेंड है ना कुछ है। एनीवेज चलो, अभी अगला स्टॉप हमारा रहेगा कारगिल वॉर मेमोरियल, लेट्स गो। सो गाइस, वी हैव जस्ट एंटर्ड ले। अभी पीछे वहाँ पे चेक पोस्ट पे हमारा पूरा एंटीजन टेस्ट वगैरह हुआ है। इवन दो मेरे पास वैलिड RT-PCR था, बट कुछ तो ऐसा रूल है कि अगर आप कारगिल में स्टे कर रहे हो देन यू हैव टू डू योर एंटीजन, अगर आप डायरेक्ट ले जा रहे हो देन यू डोंट। लॉजिक उसके पीछे का कुछ समझ में नहीं आया, बट एनीवेज अभी हम लोगों का एक्चुअली हम दोनों का इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो गया है, इस वजह से आपको मोटा भाई की आवाज़ नहीं आएगी। बट या अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं and now we are heading towards the war memorial. ये बार बार चेक पोस्ट पर रुक रुक के ना गर्मी हो जाती है। By the way, नज़ारा क्या जबरदस्त है, खड़े हो भाई बीच रास्ते में फोटोग्राफी। Alright guys, so we have completed like what 160 kilometers के आसपास and now we have come to Kargil War Memorial. अभी unfortunately यहाँ पे सब चीज़ें चालू नहीं है, कुछ चीज़ें बंद है कुछ चीज़ें चालू हैं, तो हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जहाँ जहाँ जाना है तो बस वही देख के आते हैं। फिर सामने ही एक कैफेटेरिया है, वहाँ पे लंच करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर होटल। क्या गाइज, ये है द्रास, दी लाइक कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस, सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। Alright guys, so finally we have reached at our hotel. So today's ride was really awesome. So हम लोग इस समय कारगिल में हैं, कल सुबह ले निकलना है और अब धीरे धीरे राइड का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होते जा रहा है। आज के राइड में मतलब काफ़ी लंबा राइड था, मतलब डिस्टेंस वाइज नहीं टाइम वाइज काफ़ी टाइम टेकिंग राइड था, बट काफ़ी मज़ा आया और इट वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल। एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने, क्योंकि पास में ही रेस्टोरेंट और रूम के अंदर मंगाने का मन नहीं कर रहा है, तो खाना वाना खा के। बाय द वे आपको बैकग्राउंड में लग रहा होगा खाने का टाइम नहीं है, समय 7 बज रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी खाना वाना खा के फटाफट सो लेते हैं और फिर कल सुबह वापस से 6 बजे निकल जाएंगे ले के लिए। रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू हैवन ऑलरेडी सब्सक्राइब देन क्लिक टू सब्सक्राइब एंड क्लिक टू सी माय लास्ट वीडियो एंड कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।